जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर दूसरी बार सांसद बनने के बाद मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में डॉक्टर संजीव बालियान को मंत्री बनाए जाने की सूचना मिलते ही जनपद मुजफ्फरनगर में खुशी की लहर दौड़ गई, जिसमें जाट कॉलोनी स्थित संजीव बालियान के मकान पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। संजीव बालियान के आवास पर मौजूद उनके भाई विवेक बालियान को समर्थकों ने मिठाई खिलाकर बधाइयां दी और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाकर केंद्र की मोदी सरकार का स्वागत किया। दरअसल मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी अजीत सिंह को हराकर दूसरी बार लोकसभा पहुंचने वाले मुजफ्फरनगर से सांसद डॉक्टर संजीव बालियान को मोदी सरकार में दूसरी बार मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने की सूचना जैसे ही जनपद में मिली तो जनपद में खुशी की लहर दौड़ गई, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ता और संजीव बालियान के समर्थकों ने उनके आवास पर पहुंचकर जश्न मनाया और उनके आवास पर मौजूद उनके भाई विवेक बालियान को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान बुढ़ाना विधानसभा सीट से भाजपा विधायक उमेश मलिक ने संजीव बालियान को दूसरी बार मंत्री बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संजीव बालियान द्वारा पूरे 5 साल क्षेत्र में की गई मेहनत का ही नतीजा है, जिस वजह से भाजपा नेतृत्व ने उन्हें दोबारा मंत्री बनाने का मौका दिया और अब जनपद भर में विकास की गंगा बहेगी। नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ कि डॉक्टर संजीव बालियान को अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया, इस जनपद की जनता के लिए, इस जनपद के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उत्साह की बात है। पूरे जनपद के अंदर जश्न मनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर जिले का सपा की सरकार में बहुत ज़्यादा उत्पीड़न शोषण हुआ था, यही कारण था डॉक्टर संजीव बालियान को उस समय भी मंत्रिमंडल में लिया गया था। जनमत न्यूज़ के लिए मुजफ्फरनगर से संजय कुमार की रिपोर्ट।